दोस्तों भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया काफी तूफानी रोमांचक मुकाबला। जी हां दोस्तों, पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे इनिंग में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज एसएसवी जायसवाल, विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कोहराम मचा दिया। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेर एसएसवी जायसवाल और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को नागिन डांस करा दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने वो कर दिया जो रोहित शर्मा, विराट कोहली, बड़े से बड़े दिग्गज बल्लेबाज न कर पाए। विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल जो हर बार फ्लॉप रहते हैं, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे इनिंग में इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, तो वहीं दोस्तों एसएसवी जायसवाल ने भी इतिहास रच दिया। सब कुछ पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जब पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए एसएसवी जायसवाल और विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल पहुंचे, तो भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज जायसवाल ने पहले ओवर में 7 रन बना दिए। दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर 9 रन विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने ठोक दिए। तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर 11 रन एसएसवी जायसवाल ने ठोक दिए। चौथे ओवर की 6 गेंदों पर 14 रन, एक चौके और दो गगनचुंबी छक्के की मदद से यहां पर दोस्तों केएल राहुल ने ठोक दिए। केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर मैदान पर काफी ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें दोस्तों, यहां पर तूफानी विस्फोटक शेर एसएसवी जायसवाल का बल्ला तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एसएसवी जायसवाल और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें दोस्तों, यहां पर केएल राहुल का बल्ला तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल को आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक की बल्लेबाजी कमाल कर रही थी। जी हां दोस्तों, पहले टेस्ट मुकाबले के पहले इनिंग में 70 रनों पर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को भारतीय टीम के शेरों ने समेट कर रख दिया था, जहां पर दोस्तों भारतीय टीम के शेरों ने यहां पर दोस्तों 100 से भी ज्यादा रन ठोक दिए थे। तो मैं दोस्तों दूसरी इनिंग में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज एसएसवी जायसवाल और तूफानी विस्फोटक शेर केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑस्ट्रेलिया के तेज खुखार विस्फोटक गेंदबाज मिचेल स्टार्क भी दोस्तों यहां पर रोते विलखते नजर आए। मिचेल स्टार्क बार बार दोस्तों एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिर इनके बल्ले में ऐसा है क्या जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कोहराम मचा दिया। पहले टेस्ट मुकाबले के पहले इनिंग में दोस्तों 150 रन बनाकर के पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी, लेकिन दोस्तों पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरी इनिंग में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर, विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल और एसएसवी जायसवाल जम करके मैदान पर चपक के बल्लेबाजी कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान को जम करके धो रहे थे। एसएसवी जायसवाल और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विकेटकीपर केएल राहुल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कोहराम मचा दिया। विकेटकीपर केएल राहुल ने 62 रन और दोस्तों एसएसवी जायसवाल ने 90 रन ठोक दिए और अभी भी नॉट आउट है और तूफानी विस्फोटक तरीके से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान को जम करके धो रहे हैं। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर इतिहास रच रहे हैं और भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने समझ लीजिए कि पहला टेस्ट मुकाबला जीत लिया है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी वीडियो हाईलाइट और जानकारी हमेशा इस चैनल पर मिलती रहती है। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।